कैसे पता करें कि ACL टियर हो गया है या ACL ढीला पड़ गया है? हमारे में लिखा हुआ रहा है ACL इज़ नॉर्मल, पर कहीं वो ढीला तो नहीं है भाई? हमारे में यही बता पाएगा ना कि ACL नॉर्मल है, ACL टूट गया है, पर ACL अगर लंबा हो गया तो वो कैसे मालूम करें हमारे में? तो अगर हमारी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं हुई हो तो उन्होंने नहीं मैनेज किया, पर खुद पता कर सकता है कि नॉर्मल ACL हमारे में देखा जाए तो ऊपर की हड्डी दिख रही है फीमर, नीचे की हड्डी दिख रही है टीबिया, और ये आपको ACL दिखाई दे रहा है पूरा दिखाई है ना, ये फीमर टीबिया, ये ACL है काला काला बड़ा अच्छा। अब तुम देखो तो ACL क्या कर रहा है, ACL का फंक्शन है कि अच्छा काला लिगामेंट है नीचे हड्डी को आगे जाने से रोक रहा है, यही काम है इसका। तो अगर मैं ऊपर वाली हड्डी फीमर इसके या एंटीरियर कॉर्टेक्स से एक लाइन नीचे लगाऊं ये, तो तुम्हें टीबिया पीछे दिखाई दे रही है ना पीछे, या ये ऊपर वाली हड्डी नीचे आ रही है ऐसे लाइन, ये टीबिया पीछे दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि ACL इसको आगे नहीं आने दे रहा। तो अगर ये ACL टूट जाए या ये ACL लंबा हो जाए ऑपरेशन के बाद तो ये हड्डी आगे आ जाएगी, इसको बोलते हैं एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया। अब आप अपना ये MRI देखो, ये फीमर ये टीबिया, अब अगर तेरी फीमर से मैं लाइन खींचूं नीचे तो देख टीबिया कितना आगे है, लाइन खींची मैंने, ये तेरा इतना आगे, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, यहाँ की यहाँ आ गई, ये देख टीबिया पीछे है और इसमें टीबिया कितनी आगे है, तो ACL ढीला इतना ढीला है कि पूरी आगे आ गई। इससे दो चीज़ें हुई, एंटीरियर ट्रांसलेशन टीबिया और ये PCL बकलिंग। अब ये बकलिंग क्यों है? क्योंकि भैया ये तेरा ACL है, ये टूटेगा या ये लंबा होगा, अगर ये बिल्कुल सॉलिड है तो ऐसे रहेगा, ये टीबिया पीछे रहेगी, ये टूट जाए तो भी टीबिया आगे आएगी और ये लंबा हो जाए तो भी टीबिया आगे आएगी, तो तेरी टीबिया ऐसे आई भी ना, ये नॉर्मली तो ऐसे रहती है, यहाँ ऊपर से लाइन खींचू तो टीबिया पीछे है, पर तेरी MRI में ऐसे, क्यों? ये ढीला हो गया लिगामेंट, इसको बोलते हैं एंटीरियर ट्रांसलेशन टीबिया, इसी वजह से PCL बकल कर गया। तो PCL बकलिंग लिखा हुआ होने का मतलब ये है कि टीबिया आगे आ गया, मतलब आपका लिगामेंट ढीला है, और ढीला है तो तेरा हिल रहा है, हिल रहा है तो तेरा घुटना ख़राब भी हो रहा है, और तेरा कभी स्ट्रेंथ भी नहीं आएगी, तो कभी नहीं भाग पाएगा। अब वो तेरे जितनी बार तू खुद देखेगा तो वो साफ साफ दिखेगा, तो खुद अपने घर जाके नॉर्मल ACL हमारे लगा के लाइनें लगाना नीचे, तो वो समझ आएगा ये ACL का काम ही होता है इसको आगे आने से बचाना, तो ये अपना काम नहीं कर रहा ना, ये पूरी आगे आई हुई है, ये कम से कम 1 सेंटीमीटर का एंटीरियर ट्रांसलेशन है, कंप्लीट टीयर के बराबर, Grade 3। दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी अगर तू चाहता है तेरा घुटना बचा रहे, क्योंकि तेरी दोबारा सर्जरी तो होगी ही होगी, क्यों होगी? ये ढीला है, ये हिलता रहेगा, तेरा मेनिस्कस फटेगा, तेरा कार्टिलेज घिसेगा। अब नॉर्मल सर्जरी ढीली हो जाती है कई बार, नॉर्मल सर्जरी क्यों ढीली हो जाती है? क्योंकि जो ACL है वो 6 महीने तक कमज़ोर रहता है और उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो चोट लग लगे ढीला हो जाता है। अब एक बार नॉर्मल सर्जरी करा ली, अब ये कराएगा तो वापस ढीली पड़ेगी, तो इंटरनल ब्रेस सर्जरी होगी। अब मैं तो IB सर्जरी का मैं बताता हूँ, और फिर लेफ्ट के अंदर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि तेरी बॉडी इसमें जोर डाल ही नहीं पा रही बेटा, इसमें ACL काम का ही नहीं है, इसमें काम का नहीं तो सारा जोर पड़ रहा है दूसरे घुटने पे, दूसरा घुटना भी खराब हो जाएगा, आज खराब नहीं है, आज सिर्फ Grade 2 सिग्नल है इसके अंदर, छोटे मोटे चेंजेस हैं, हल्का है, और वो हिलता है कि मांसपेशियां खराब हो गई पूरी तेरी, तो तू ऐसी चीज़ लेके घूम रहा है घुटने में जो 6 महीने बाद मजबूत होगी, तो डैमेज होने के चांसेस है ना, हर कदम पे धीरे धीरे ढीले होते रहते हैं। तो अभी अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में बंद हो गई है सर्जरी, वहाँ सब जगह इंटरनल ब्रेस होते हैं। IB में क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट IB का मिलता है कि हम ये जो मांसपेशी के टुकड़े से आपने ACL बनाए, इसमें 2 टेंडन यूज़ हुए हैं हैमस्ट्रिंग के ACL बनाने के लिए। अब इंटरनल ब्रेस सर्जरी में एक ही टेंडन यूज़ होता है, ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से हम ग्राफ्ट बनाते हैं तो टेंडन वेस्टेज नहीं है, सो मोटा ग्राफ्ट बनता है पर एक ही टेंडन से बनता है, उसको 4 गुना कर लेते हैं, इसमें 2 टेंडन को डबल किया जाता है तो 4 गुना मिलता है, इसमें भी 4 गुना मिलता है, इसमें ग्राफ्ट वेस्ट होता है इसलिए 2 निकालने पड़ते हैं, इसमें ग्राफ्ट वेस्टेज नहीं इसलिए 1 ही निकालना पड़ता है। जो बटन आपके ऊपर लगा था सेम बटन इसमें ऊपर लगेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, बस बटन की क्वालिटी होती है। अब ये एंडो बटन है, इस पर एडजस्टेबल नहीं होता, फिक्स लूप डिवाइस है, हम लोग एडजस्टेबल लगाते हैं, 2 धागे खींचते अपना बटन टाइट हो जाता है, तो एडजस्टेबल लगते हैं आजकल, एंडो बटन नहीं लगते। इसमें डिफरेंस ये है कि नीचे जो स्क्रू लगा ना उसकी जगह नीचे ही बटन लग जाता है, सो बटन लगने का पहला फ़ायदा ये होता है कि तेरे है ना छेद छोटा हुआ है, स्क्रू के लिए छेद बड़ा था, अब तेरे लिए छेद छोटा होगा, फ्लिप कटर से यूज़ होगा, तो बाहर बिल्कुल पतला छेद होगा तो दर्द नहीं होगा तेरे को ऑपरेशन के बाद, सो टेंडन भी कम निकला और हमने आपकी हड्डी में भी छेद बहुत ही छोटा किया है एज़ कम्पेयर टू स्क्रू, तो दर्द नहीं हुआ,
तो बॉडी में हमने कम नुकसान पहुंचाया, टेंडन में निकालने में भी कम नुकसान पहुंचाया और हड्डी में भी कम नुकसान पहुंचाया। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल ब्रेस लग जाता है फाइबर टेप का, जिसमें फाइबर टेप यूज़ आती है और एक यूज़ आता है स्वावलोक एंकर उसको फिक्स करने के लिए। अब फाइबर टेप को हमेशा एंकर से ही फिक्स करना चाहिए, विदाउट एंकर फिक्स नहीं करना चाहिए। एंकर ऐसे आते हैं, विदाउट इसके फिक्स करेंगे, गांठ वांठ लगाएंगे तो फाइबर टेप ढीली पड़ जाती है। सो मैंने अब क्या किया बेटा, अंदर ब्रेस बना दिया। अंदर ब्रेस बना दिया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले दिन से पूरा वजन दे के चल सकता हूँ, मैं पहले दिन से पूरा पैर बैंड कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर ही प्रोटेक्शन दे दिया तो बाहर क्यों प्रोटेक्शन देना। बाहर प्रोटेक्शन नहीं देना तो मेरे मूवमेंट वगैरह पहले दिन से प्रिजर्व रहते हैं। सो मैं 7 to 15 days में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ, मेरे को दर्द वैसे ही नहीं है, छेद में हड्डी कम हुई है, प्रोटेक्शन अंदर आ गया सीट बेल्ट की तरह। तो मैं पहले दिन से चल रहा हूँ, पहले दिन से बैंड कर रहा हूँ, पहले दिन से एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, 1 महीने में जॉगिंग, 3 महीने में रनिंग। उसके बाद अगर तू 6 महीने तक गिरता है कभी तो ये लिगामेंट सर्जरी फेल हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। इंटरनल ब्रेस सर्जरी फेल नहीं होगी क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन है, दो चीज़ों का प्रोटेक्शन है, पहला फाइबर टेप का प्रोटेक्शन है और दूसरा आपकी मसल्स का प्रोटेक्शन है, मसल्स वीक ही नहीं पड़ी। तो तू इसमें बहुत जल्दी ठीक होगा और इसके ढीले होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने अब इसको जो तेरे हुआ ना तेरे साथ कि वो ढीला हो गया, भाई सर्जरी के टाइम तो ढीला नहीं था ना बेटा, उसके बाद वो ढीला हो गया। इसमें ढीला हो ही नहीं सकता ना, फाइबर टेप ने पकड़ रहा है, कैसे ढीला हो जाएगा, ये फाइबर टेप टूटता नहीं, इसीलिए उसमें गांठ वांठ नहीं बांधते, फाइबर टेप को नीचे एंकर से बांधेंगे, ढीला हो ही नहीं सकता वो। तो इसके सक्सेस रेट इसलिए इंक्रीज हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको हर सप्ताह कॉल किया जाएगा फ़ोन पे, ऑनलाइन आपको एक्सरसाइज सिखाई गई 6 महीने तक, जो आपको पिछली बार नहीं सिखाई गई। एक्सरसाइज नहीं सिखाने की वजह से भी आपके नए लिगामेंट पे जोर पड़ता रहा, क्योंकि आपकी मांसपेशियां डेवलप नहीं हुई, क्योंकि मेरे को आपके रिजल्ट से मतलब है, आप अच्छे होगे तो आप और पेशेंट भेजोगे। सो मैं आपको हर सप्ताह कॉल कराऊंगा, हम आपको हर सप्ताह एक्सरसाइज सिखाएंगे, आपको बैक टू स्पोर्ट्स तक की एक्सरसाइज सिखाई जाएगी 6 महीने के दौरान, तब जाके आपका फ्यूचर में लिगामेंट बुलेट प्रूफ हो जाएगा, कभी टूटेगा ही नहीं, जब भी गिरोगे मांसपेशियां एक्ट करके बचा लेगी। वहीं हमने 6 महीने तक एक्सरसाइज नहीं की तो हमारा लिगामेंट डेंजर में रहता है। फिर आप क्या करना, बीच बीच में हमारा एक ग्रुप है एसीएल विनर, देखा है आपने फेसबुक पे, फेसबुक उस पर डालते रहना, मैं देखता रहूँगा बेटा, नहीं लिगामेंट ढीले पड़ते। अगर हमने अच्छी टेक्नोलॉजी से आपका ऑपरेशन किया, एनाटोमिकल किया, आपको हमने हर सप्ताह एक्सरसाइज सिखाई, आपको एक ग्रुप दिया जिसमें आप लोगों से बात कर सकते हो, मोटिवेटेड रह सकते हो, आप जल्दी काम पे चले गए, खुश रह रहे हो, आपको अगर 1.5 महीना वेट नहीं करना पड़ा तो कितनी बड़ी बात है। अगर आपको दर्द नहीं हुआ सर्जरी में, कि आप घर पे आराम से रह सकते हो, काम पे जा सकते हो, दोस्त हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, खेलना कूदना बहुत जल्दी चालू हो जाता है, परेशान नहीं होता इसमें इंसान, इसमें इंसान पहले दिन से ही खुश रहता है। वहीं पुरानी सर्जरी में डेफिनेटली इतनी प्रिकॉशन की परेशानियाँ बहुत बढ़ती है इंसान की, दूसरा फट गया तो वापस दिक्कत है, इसमें फटने की भी चांसेस कम है और हैप्पी जर्नी है, स्मूथ जर्नी, पेनलेस, बिना परेशानी की जर्नी। बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन प्रिस्टीन केयर।